दोस्तों आ गए खाने के लिए, गुरु साहब के लिए मंगाया था समोसा और कटलेट खा गए, उनको यहाँ पर चल रहा है डोसा, अब इनको खाना है अभी आइसक्रीम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों एक बजे सुबह के 8 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज मौसम बहुत अच्छा है और हल्की हल्की एकदम हवाएं हैं, धूप भी निकला हुआ है। हमारे डोगू साहब आज अभी तक सो रहे हैं क्योंकि कल इनका चल रहा था बदमाशियाँ और तबीयत भी आप देख रहे थे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से अभी तक सोए हैं। तो हम इनका मच्छरदानी भी नहीं हटाए हैं, फूंक मार के सो रहे हैं। तो इनको जो है आप जानवे करते हैं कि रात को अगर तंग की है तो दिन में थोड़ा सा लेट से उठेंगे और अगर सर सबरा सो गए तो फिर जल्दी उठेंगे। किचन में खाना बनने की तैयारी हो रहा है, चाकू को लगा तेज कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तेज नहीं कर रहे हैं जी, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लगा था, हम जो हटा रहे हैं। जा रहे आलू छील के, आलू का भुजिया बनाते हैं, बाबू को पसंद है और साथ में देखिए जल्दी बना दिए खाना क्योंकि आज बाबू का छुट्टी है। तो सोचे की सुबह रोटी भी था, सुबह में तो हमसे दाल रोटी भुजिया हो ही जाएगा और साथ में हमको चना भी देखिए ला के रखे, उसको भी निकालना भी निकाय भी नहीं है। देखिए ऐसे ही टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। और इसे एक एक दाना हमको निचोड़ निचोड़ के निकालना पड़ेगा। और सोच रहे ना कि जो फोन के ऊपर ला देख रहे इसको इतना साग में यूज करेंगे, साग भी खोटना है खेतों में। हाय दैया, इतना सारा काम है, समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, एंड मेरा कहाँ होगा। इसका साग अच्छा नहीं लगेगा, खड़ा हो गया ना पत्ता, वो वाला पत्ता थोड़ा सा खोट लेंगे, मिक्स कर देंगे वो वाला, मिक्स करेंगे और उभरेगा पालक वाला खोटेंगे और चना जो दिखाए थे वो खोटेंगे। क्या बात है, आज पसावल भात खाने मन कर रहा है। हाँ, हम अभी आजकल पसावली भात बना रहे हैं। मेरे लिए मार रहे देना यार, हम थोड़ा सा मार भात खाएंगे। दाल तो बना है, मार क्यों खाइएगा, फिर भी खाएंगे दाल भात मार सब्जी चोखा सब खाएंगे, अच्छा लगता है हमको। पता है इनका खाने का टेस्ट ही अलग ही होगा, हम बोल नहीं सकते। अब जाएंगे धूप में आराम से बैठ के, वहीं पर काम होगा इनका। खड़ा खड़ा ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ कैसे नहीं इनको। आज दोस्तों एक काम आपको करना है। बोलिए। जो देख रहे हैं ना ये आज आपको कोड़ देना है। अभी गीला मिट्टी है यार, कैसे तो कोड़ेगा, सारा घास से निक जाएगा। हाँ वो तो बात सही है। तो फिर कोड़ना है, वो तो मतलब कोड़ना नहीं है, हमको लग रहा है ना कि ऐसे कीजिए ना आप ई वाला कोड़ दीजिएगा। अभी तो इसमें ज्यादा मिट्टी है भैया, मतलब गीला है, इसको नहीं कोड़िएगा अभी, लेकिन वो कोड़ा गया है, एक ई कोड़ना है। इनका बस यही काम है, ई कोड़ो ई खानो ई हटाओ, खेत में बिजी रहना है। हमको लगता है कभी कभी इनको अब खाली पैर कहे चल, ठंडा कितना ज्यादा है, खाली पैर चलना हमको एकदम थोड़ा में चलना चाहिए, सीत तो लग घास है ना, सारा सीत है देख रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आँख का जो रोशनी है ना इससे बरकरार रहता है। मेरा तो नहीं बरकरार, हम लोग कितना खाली पैर घूमते चलते थे, हमको तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो आपका गलती है। ठीक है, सही है, अब गलत कहाँ बोलते हैं, सही तो बोलते हैं। अब ठसक से काम होता है हमारे घर में, कुछ ठसक से नहीं। आलू खत्म हो गया हमारा जो घर का था, बस यही थोड़ा बड़ा बचा हुआ है, अब फिर बाहर से लाना ही पड़ेगा। देख रहे आलू कितना अच्छा था ना, घर का था ना। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर पर और डुगू साहब से गेट नहीं खुल रहा है, खोले जा रहे हैं, खोलो खोलो, यहाँ तो बंद है यार, रुको रुको रुको, चलो 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 चलो, अरे घर को यहाँ रे है। देखो पिंटू घर पे है और इधर कुछ लोग, हाँ चलो खुश हो, ऊपर में काम हो गया ना, चलो खुश हो, खाएगा तब ना, खा ले खा ले, आलू है आलू खा, हाथ में लेगा अपने हाथ में लेके खा है, खा ले खा ले, जय करो बुआ को, जय करो गोल लगो, अरे हुआ गोर छू गोल लगा जाता है ना, भजन लग रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ से अब ना हम फटाक से निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, रिम्स में जहाँ गए हुए थे, और देखते हैं वहाँ पर अभी क्या होता है और कुछ इनका इलाज करवा रहे हैं हम। ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में बिना स्वेटर कहीं जा रहा है, और डुगू साहब को ना इनर पहना दिए हैं, फिर एक और पहना है, तब जाकर ऊपर शर्ट पहना दिए हैं।
एकदम हटा कटा दिखा, हटा कटा दिखा। हर रोज यहाँ इतना भीड़ होता है। चलो आजा आजा, यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन पर्ची करता है। भीड़ का तो कम ही नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, रिपोर्ट लेने के लंबा लाइन लगा हुआ है। इधर है तुम लगा दें लाइन में, चलो चलो आजा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अभी जाकर रिपोर्ट मिला है डेंगू का, और ये देखो 1:30 बजने वाले हैं, और अब जो है डॉक्टर बैठेगा सीधे 3 बजे। यहाँ नियम है 10 से लेकर 1 बजे, 1 बजे से 2 घंटा लंच, उसके बाद सीधे 3 बजे। देखते कुछ खा लेते हैं, जो लोग भूख ले, भूख लगा कि नहीं खाएगा, भूख लगा है जो। चलो दोस्तों आ गए खाने के लिए, दूध साहब के लिए मंगाया था समोसा और कटलेट खा गए, उनको यहाँ पर चल रहा है डोसा, अब इनको खाना है अभी आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम थोड़ा देंगे ना, नहीं आइसक्रीम नहीं मिलेगा, ये खाना है नहीं खा गए। चाचू के साथ चिप्स चल रहा है, और इनके लिए वो वाला अभी खाले मन नहीं है, वो जब ख़त्म हुआ तो इसको भी मांगेगा, कुछ खाए भी नहीं किया है। वहाँ से आने के बाद गए तो खाएंगे, लेकिन समोसा भी नहीं खाया और डोसा भी पिंडू खाया तो ये नहीं खाया, तो कुछ तो खाना है ना, तो चिप्स देखा तो चिप्स लगा रो, तो चिप्स लिए हैं अभी। पता चल रहा है कि लहसुन कोड़ा रहा है, लहसुन नहीं कोड़ा रहा है, प्याज कोड़ा रहा है। अरे हाँ सॉरी, प्याज कोड़ा रहा है, और प्याज का घास जो है निकालते जा रहे हैं, लेकिन इनसे तो एक काम होता नहीं बढ़िया से। अरे बाबा हमको उधर भी करना है जी, क्या कर उधर कर, बाबू जाने लगा था, थोड़ा सा ही कोड़े, अगर अभी ये घर पे हम रह जाते तो अभी तक लहसुन नहीं कोड़ाया है, तो ये नहीं हुआ है, तो वो नहीं, 50 को भाषा सुनने को मिल जाता। वैसा कुछ नहीं है, दो दो बेबी को संभालना, प्लस में खाना पीना भी देखना, हर चीज करना पड़ जाता है ना, तो अकेले से अभी किसे होगा, धीरे धीरे खेत अभी काम किसे कर पाएंगे। एक बेबी को देख रहे थे, दो बेबी को कैसे बाबर छोड़ का, मगर सीधा है ये तो, बहुत ज्यादा उदंड हो गया, आपको पता नहीं है इसके बारे में आपको तब। चलिए खैर कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा, अब बेबी लोग घर में है तो थोड़ा सा झंझट होगा। हाँ वो तो है, तो होगा ही, और हो गई शाम, ऐसे भी कहीं बाहर निकलो ना तो कितना भी करो लेट हो ही जाना है, तैन तैनी करते करते। चलिए खैर जा रहे हैं जी, मदद कर देते थोड़ा सा, बोलिए अभी अभी कोड़ा जाएगा समझे, अच्छा बाद में इसे कोड़िएगा ना, तो नहीं कोड़ा का है ना कि मिट्टी सूख जाएगा तो भी घास नहीं निकलेगा, तो बात है अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है छोड़ दीजिए, आप सुबह से परेशान अभी तो थे, जितना होता है थोड़ा सा मदद कर देंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बड़ा हम भी हेल्प करके फटफट करेंगे तो शायद, ऐसे तो अभी हो ही नहीं पाएगा, कोई फायदा नहीं है, सुबह में ऐसे भेड़ेंगे ना तभी हो पाएगा। एक बार सुबह दोनों मिल जाएंगे, हम लोग आप पढ़ ले जाएगा, हम फटाफट घास निकाले जाएंगे, आधा घंटा में सब हो जाएगा, निकाल दीजिएगा ना ये पूरा शोर, ना तो नहीं बढ़ेगा, टूट जा रहा है वही अंदर से बढ़ जा रहा है। करो यार भूख पे लगा, कुछ खा पी है, खाना है दे, हाँ यार भूख लगा है, खा लेंगे, पेट डूबने वाला है, और गद्दा पर बोला था नहीं खाना चाहिए, तो थोड़ी देर में खाएंगे, अब दिया बात ही बदलने के बाद। हाँ तो ठीक है जैसा बोलिएगा, अब जा रहे हैं, तब हम बाबू को देख ले रहे हैं, छुटका उठ गया, अगर सुलाए थे उसको हम। दोस्तों आप सबको ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे, जो कि रिप्लाई करना तो बनता है क्या मैडम? नहीं यार बहुत लोग रिप्लाई नहीं देते ना, तो आपसे भी कहते हैं कि देखो झूठ मूठ का अपने बेबी को ले गई थी, तो हम जानते हैं बाबर वीडियो नहीं लेना चाहते हैं बाबू को थेरेपी को लेकर, क्योंकि एक ही चीज क्या आप शेयर कर रहे, लेकिन आप सबने इतना सारा कमेंट किया था कि झूठ मूठ का बहाना कर रही है, और ये वैसे भी व्यूअर्स है ना जिनको मेरे कामों में हमेशा नुक्स ही निकलता है, खैर कोई बात नहीं, और पहले से भी डुगू में सुधार हुआ है, आप सब लोग में देखे होंगे, और मुझे अब उस टाइप का कमेंट नहीं कर रहे लोग, अब मुझे टारगेट कर रहे हैं मेरे मायके को लेकर, ससुराल को लेकर, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने कान की इयररिंग बेच के शॉपिंग कर रही है। अरे यार इतना भी घटिया कुछ नहीं हो आदमी का, और रही बात आप सब ये कैसे सोच लेते हो कि आदमी एक दिन गया फिर नहीं जा रहा है,
रही बात कि सब जगह जो है कहीं रिस्ट्रिक्शन होता है, आप वहाँ पर क्लिप नहीं ले सकते हैं, वो तो बंद था उसमें तो हम ले लिए थे। खुला रहेगा तो क्या होता है ना, कोई भी कहीं भी जगह पर आप ऐसे नहीं ले सकते वीडियो, बाहर कहीं लोग कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये सब, और पता है वो जो वीडियो में नहीं लोग बोल रहे ना कि ये देखो कितने गरीब लोग गए हैं, कुछ लिया नहीं है, कुछ खरीदे नहीं है, तो क्या बोले हम, वो भी दिखा देंगे क्या क्या खरीदे हैं। आज हम लोग रही बात की बाहर वो चले गए ना, तो फिर इसके चलते हम कहें चलो यार कैसे करेंगे, इसलिए उसको हम नहीं बना पाए और आपको जो है बताएंगे क्या क्या लिए हुए हैं, और हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, जो है वही रोटी आपके साथ शेयर करते हैं। खैर आप सबका तो कमेंट भैया परंपरा है, कुछ भी लिख सकते हैं। कहीं से ना कहीं से लोग मुझे टारगेट करते ही हैं, कुछ लोग तो इतना तक बोल दिए हैं कि अब ये मायके जाना है तो मम्मी है जाकर रोना धोना करेगी। ऑफ कोर्स करेंगे, वो मम्मी पापा लोग हैं अभी हैं तो करेंगे, शायद आपके मायके वाले नहीं करते होंगे तो आप वो अलग सी बात है, बट मेरे मायके ससुर वाले सबको बहुत प्यार दे रहे हैं, हम चाहते हैं ये प्यार हमेशा बरकरार रहे और आप सबका सहयोग सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। और आप जो ये देख रहे थे कि हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, उसमें एक और बात है, जो हम लोग इतना लाइन में खड़ा थे, मेरा भाई भी था, पता है क्यों थे, क्योंकि इनका एक जांच था, वो जांच का रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग लाइन में इतना देर तक खड़ा रहे थे और रिपोर्ट काफी देर से मिला इसके चलते। तो ऐसे में क्या है ना कि आदमी को शौक नहीं कि पहले हॉस्पिटल जाएगा, सुबह से ही गए थे ना, सुबह 9:30 मतलब 9 बजे निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे 11:30-12 बजे तक हो जाता है, और एक लोग बोलते हैं दीदी आप कहाँ पे थेरेपी करवा रहे, तो रिम्स में ना, रिम्स में कहाँ पे है जी, है अंदर में, अंदर में ही है, तो आप वहाँ पे पता कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे ना जो थेरेपी करवाती है टीचर ना, वो लोग रोज नहीं आती, बस वही रीजन है, इसलिए लेके जाना संभव नहीं लग रहा है हमको। रिपोर्ट जो था ना वो निगेटिव आया है, जो बार बार जो उसको बार बार फीवर हो जा रहा था ना और सर्दी खांसी, बोले कि नहीं ये वायरल फीवर है फिलहाल अभी है, तो आप बिल्कुल डरिए मत ठीक हो जाएगा। तो हम लोग उस सीजन से भी गए थे। और आप सब ये भी बोलोगे कि झूठ बोल रहे हो, तो हम रिपोर्ट जिनको भरोसा नहीं होगा ना तो आपको अगला वीडियो में दिखा देंगे उसका। एक्चुअली हम कितना भी कर लेना तो आप लोग जो बोलोगे तो बुरा बोलोगे ही, और पता नहीं हमारे ही कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, हाँ सही बात बोलते हैं कि हमारे आसपास के लोग ही ऐसे जो हमें कमेंट करते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, बुरे हो, आप मायके ससुराल से भीख मांगते हो, ये खाते हो, इसलिए हम ना इग्नोर कर दी कमेंट को लेकर, और हमें कभी कभी रिप्लाई देना भी नहीं लगता है उचित है, बट हाँ हम चाहते हैं ना कि आप हमें बहुत सारा प्यार सपोर्ट देते रहिए क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और एक लोग बताए क्या बोल रहे थे, एक लोग बोल रहे थे ना कि इनका तो कभी नहीं अगला सब्सक्राइबर होगा। अच्छा कोई बात नहीं भैया, ऐसा किसी को आप नहीं कर सकते हो, किस्मत और समय कोई नहीं देखा है, किसी के माथे पर लिखा होने की कौन कैसा है। और माइक को लेकर ही बोल रहे थे कि देखो माइक लगा के बहुत हीरोइन बन रही है, तो दुनिया में माइक लगा थोड़ी वो हीरोइन बनता है, मजबूरी है हमारे पास। हमने आपको इतना बार शेयर किया है कि हमारे आसपास में इतना गाना बजता ना, प्लस में साई मंदिर है जो हमने कितना बार वीडियो आप लोग सुने भी होंगे, तो इसी रीजन से हम लोग को फाइनली ये माइक लेना पड़ा, वरना हम नहीं ले रहे थे। अभी भी गाना बज रहा है यहाँ पर, लेकिन शायद आपको माइक से आपका पंखा आवाज जा ही रहा हो गाना का, तो मजबूरी यही है हमारा कि आप सब जानते हैं कि हम बाहर के म्यूजिक यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसके चलते हम माइक लेना पड़ा, किसी का शौक नहीं कि इतना पैसा लगाया, तो बहुत प्रॉब्लम ही होता है, इसलिए हम लोग को चीज करना पड़ता है। और जो माइक देख रहे इतना सस्ता भी नहीं, आपको रेट पता कर लीजिएगा, शायद आपको पता चल जाए। बस दोस्तों आज के ब्लॉग हम लोग यही पर अच्छा जी को संदेह हो कमेंट पर जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।